सच है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर दुनिया की नजरें टिकी थी, पर कोई इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा चौकन्ना था तो वह पाकिस्तान और चीन था। भारत में ट्रंप के भव्य स्वागत के बीच चीन की निगाहें ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर टिकी रही। अब चीन की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उसे देखकर लगता है कि अमेरिका भारत के मजबूत संबंधों से वह बुरी तरह तिलमिला गया है। चीन ने कहा है कि यह ड्रैगन के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर की है। हालांकि गधों को बेचकर गुजारा करने वाले पाकिस्तान ने इस पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान सरकार ने बड़ी चतुराई से इस्लामिक कट्टरवाद से खुद को अलग कर लिया और वह ट्रंप के भाषण को पाक समर्थक बताकर प्रचार कर रहा है। पाक मीडिया के अनुसार ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है, जबकि चतुर चीन समझ गया है कि पाकिस्तान तो बहाना है, भारत और अमेरिका के लिए चीन ही निशाना है। दरअसल दक्षिण एशिया के इस हिस्से में बड़ी राजनीतियां चल रही है। चीन को लगता है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। दोनों देश ऐसा दिखाने के प्रयास में है कि पाकिस्तान की वजह से दुनिया और भारत आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। इसलिए ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान की वजह से भारत अमेरिकी रिश्तों में नया आयाम आया है, जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों देशों का निशाना चीन है। पाकिस्तान का वजूद इसमें दूर दूर तक नहीं है। भारत के लिए पाकिस्तान ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। समस्या की जड़ चीन है, जिसके लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह सब पाकिस्तान की बिना पर हो रहा है। ट्रंप भारत का दौरा करके चले गए हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनका मकसद हथियार बेचना था, वह पूरी तरह आज भी गफलत में है। ट्रंप हथियार बेचकर केवल पैसे नहीं चाहते हैं, ट्रंप इसके जरिए वैश्विक रिश्तों को नया आयाम दे रहे हैं, जो कि हिंद और प्रशांत रणनीति का हिस्सा है। चीन की चिंता के मायने गलत नहीं है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का होवा खड़ा करके मोदी ट्रंप चीन की घेराबंदी का खाका तैयार कर रहे हैं। भारत का सिरदर्द पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो खटारा मुल्क है, उसकी कमर तो भारत कभी भी तोड़ सकता है। इन दोनों नेताओं द्वारा चीन को रोकने की कोशिशें की जा रही है, इसलिए यह दौरा अमेरिका की ओर से नई दिल्ली को दिए जाने वाले सामरिक राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्ष 2008 में जहां दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद 1% भी नहीं थी, वहीं वर्ष 2019 तक वह $15 अरब तक पहुंच चुकी है, जिसका मतलब यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अमेरिका भारत को अपना सबसे प्रमुख सहयोगी मानकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 1.5 दशक से अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने एशिया में उभरती ताकतों के लिए भारत की शक्ति को मान्यता दी है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2000 दशक के मध्य में नागरिक परमाणु और रक्षा ढांचे के समझौते के जरिए इस नीति को आगे बढ़ाया था। ढिंडोरा तब भी यही पीटा गया था कि पाकिस्तान को देखते हुए यह सब किया जा रहा है, यानी दोनों देशों ने पाकिस्तान की आड़ लेकर आगे बढ़ने का फैसला शुरुआत में ही कर लिया था। मंशा यही थी कि चीन इसको लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं हो। मजे की बात यह है कि बेवकूफ कौम का मुल्क पाकिस्तान आज तक भी यह नहीं समझ सका है। इस नए गठजोड़ को 2015 से मोदी ओबामा और फिर ट्रंप मोदी ने आगे बढ़ाया है। एक सीमा तक दोनों देश एशिया में चीन के बढ़ते उभार को लेकर एकजुट हुए हैं। चीन के तेजी से बढ़ते रथ को धीमा करने के लिए नई दिल्ली अमेरिका के साथ सैन्य और लॉजिस्टिक समझौते, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, भारत प्रशांत क्षेत्र पर आम दृष्टिकोण आदि साझेदारी कर रहे हैं। इस सबसे बेखबर कुएं का मेंढक बना पाकिस्तान सोचता है यह सब उसके लिए हो रहा है। अगर वह ऐसा सोचता है तो बुराई भी नहीं है। भारत पिछले 1 दशक से हथियारों की खरीद पर अंधाधुंध खर्च कर रहा है, पर यह हथियार पिद्दी पाकिस्तान के लिए नहीं खरीदे जा रहे हैं। उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तो भारत के 90 के दशक वाले हथियार ही काफी हैं। चीन असली मकसद को समझ रहा है, इसलिए वह आज तिलमिलाया हुआ है।
एशिया के हिस्से में जो रणनीतियां तय हो रही है वह चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत के लिए पाकिस्तान वर्तमान सिरदर्द हो सकता है, पर भविष्य में आने वाली मुश्किल चीन से ही उत्पन्न होगी। इसलिए राजा वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी प्रजा का भविष्य सुरक्षित रखता है। भारत के अधिकतर राजाओं का यही स्वभाव रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।